बागेश्वर में थाना और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाकर उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। दीपावली पर्व से पूर्व ही नगर सहित कई जगहों पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, साथ ही भारी मात्रा में वाहनों का आवागमन भी बढ़ रहा है, जिसके चलते थाना और ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट होकर यातायात व्यवस्था का जायजा ले रही है। इस दौरान सीओ ऑपरेशन अंकित कंडारी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आम जनमानस को भी जागरूक किया जा रहा है। अभी दिवाली का पर्व आने वाला है अगले 5 दिनों में, इससे बाजार में भीड़भाड़ बढ़ जाती है तथा लोगों का ट्रैवल भी ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ पिछले 1 महीने में 2-3 दुखद दुर्घटनाएं हुई हैं। इसी के मद्देनज़र आज बागेश्वर पुलिस में थाना और ट्रैफिक पुलिस दोनों के द्वारा चेकिंग की जा रही है, और इस जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सड़क पर कोई पार्किंग ना हो जिससे यातायात में अवरोध ना हो, इसके लिए हम कड़क कार्यवाही कर रहे हैं और सड़क पर कोई गाड़ी खड़ी होने नहीं दे रहे हैं। सभी साथ साथ इसके साथ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो हेलमेट का प्रयोग करें और टू व्हीलर व्हीकल में 2 ही सवारी रहें तथा जो अपने टाटा सुमो वगैरह चलती हैं उसमें भी नियत से ज़्यादा सवारियां न रहें, इसके प्रति सबको जागरूक किया जा रहा है। CCN न्यूज के लिए बागेश्वर से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट।